श्रीप्राणनाथ प्यारे की। प्राणाधार सुंदर सर जी, पिछली चर्चा में हमने सिंधी के प्रकरण की तीसरी चौपाई, जिसमें विषय था कि परमधाम से ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई हैं अथवा नहीं, क्योंकि दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहले विचारधारा ये कहते हैं कि परमधाम से कुछ भी आया नहीं है, और दूसरी विचारधारा कहते हैं कि नहीं, परमधाम से नूरी तन नहीं आ सकते, लेकिन उनकी सुरताएं इस संसार में आई हैं जिनको आत्मा कहा। उसी विषय का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया था। आज मैं उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं कि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से परम नाम की ब्रह्म सृष्टियां, अर्थात जो मूल तन परम धाम में है, जिसको हम परात्म कहते हैं, उनकी सुरताएं इस संसार में कैसे आई, राज्य का आवेश इस संसार में कैसे आया। वैसे हमने बहुत सारी ऐसी चौपाइयां सुनी, बहुत सारे ऐसे तथ्य सुने जिससे हमें शायद समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ और बातें हैं जिनसे मुझे लगता है कि हमें यह विषय और अच्छे से समझ में आ सकता है। जब ये विचारधारा थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं आया, न ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, न कोई और आया है, न श्यामा जी आई हैं, केवल राज्य का हुक्म ही आया है। जो कुछ भी राज्य के हुक्म से है, यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियां का रूप राज्य के हुक्म ने लिया है। अगर ऐसी विचारधारा आती है तो थोड़ी देर के लिए मन में उस विचारधारा को मानने पर कुछ तर्क है। जैसे उसी चौपाई में, इसी प्रकरण में अगली चौपाई में कहा, अपनी सुरते हुकम खेलावत हुकम खेलत सामी हुकम ए देखावत तले कदम। क्योंकि ये जो प्रकरण है, जिस प्रकरण से ये चौपाई हमने ली है, ये तो रूह न कोई रूहन की जो कछु होए सो हुकम, ये पूरा प्रकरण हुकम की पहचान का। अब इस हुक्म की पहचान हम कैसे करें? अगर राज्य का हुक्म इस संसार में आया है तो उसके पीछे आधार क्या है, किस आधार पर हम ये मानते हैं, तब मन मस्तिष्क में ये चौपाइयां नजर आती है कि राज्य के हुक्म से ही, राज्य का हुक्म ही यहां पर आया है। लेकिन ऐसा कहने का कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए पहले हमें यह समझना है कि हुक्म कहते किसे। क्योंकि हमने सोचा हुक्म का मतलब जैसे कोई ऑर्डर दे देता है, कोई आदेश देता है। वास्तव में परमधाम में जहां कहीं भी राज्य के हुक्म की बात करते हैं, वहां राज्य का हुक्म का मतलब राज्य ने आदेश दिया ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। हुक्म का मतलब क्या है? मूल स्वरूप अक्षरातीत के हृदय में जो भी इच्छा होती है, जो भी बात मूल स्वरूप अक्षरातीत के हृदय में आती है, उस इच्छा को, उस बात को ही हुक्म की संज्ञा इस संसार में दी गई। उनके हृदय में इच्छा आने का मतलब वह हुक्म है। अब उन्होंने अपने हृदय में लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाऊं। हम जब चर्चा करते हैं अभी तक की महाकारण की चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, पहले लई हके दिल में पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रोहन में यों कर हुआ जब। तो राज्य के दिल में जो पहला चरण है, पहले लई हके दिल में, राज्य के हृदय में जैसे ही आया उसने हुक्म का रूप ले लिया। फिर अब वही इच्छा
अक्षर के अंदर भी गए, श्यामा जी के अंदर भी गए, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर भी गए, और उस इच्छा ने, जिसको हम हुक्म कहते हैं, उस इच्छा ने या उस हुक्म ने ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ये इच्छा पैदा की कि हम माया का खेल देखें। उसके बाद राज जी ने उसी इच्छा को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम हुक्म कहते हैं, यहाँ हुक्म का मतलब अलग से और कोई शक्ति नहीं, राज्य की इच्छा को ही, जहां मैं हुक्म शब्द कहूंगा वहां आप समझ जाना कि यहाँ राज्य की इच्छा है, या जहां राज्य की इच्छा कहूंगा वहां पर आप हुक्म समझना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का अर्थ एक ही। अब उन्होंने अपने हृदय में लिया कि मैं खेल देखाऊं, ब्रह्म सृष्टियों के अंदर आया पराक्रम के अंदर, कि हम अक्षर के खेल को देखें। अब उस खेल को देखने के लिए और ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए राज्जी ने अपने हृदय में, और राज्जी के हृदय रूपी पर्दे में ही ब्रह्म सृष्टियां इस खेल को देख रहे। तो इसीलिए क्या कहा कि सब कुछ हुक्म से हो रहा है, जो सुरता इस संसार में आई वो हुक्म से आई है, गलत नहीं है। जो भी सुंदर साथ ऐसा कहते हैं कि परमधाम से कोई आया नहीं है, राज्य की केवल हुक्म आई है, राज्य का हुक्म आया है, तो वो पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन ये आधा सत्य है। पूर्ण सत्य क्या है कि राज्य के हृदय में जो इच्छा आई उसी को हुक्म कहा गया, और उसी इच्छा के आधार पर ब्रह्म सृष्टियों के अंदर वो बात आई, श्यामा जी के अंदर वो बात आई, इस खेल में आने की, अक्षर ब्रह्म के हृदय में आया खेल बनाने की, और अब अक्षर ब्रह्म के इस खेल को ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा जी परम धाम में मूल तन में बैठे बैठे राज्य के हृदय रूपी पर्दे पर देख रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ राज्य के हुक्म से, क्योंकि अगर राज्य के हृदय में इच्छा ही ना हो ब्रह्म सृष्टियों को खेल देखाने की, तो कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात सभी के मूल में ब्रह्म सृष्टियों की सुरता के इस संसार में आने के पीछे, अक्षर ब्रह्म के इस संसार में आने के पीछे, इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने के पीछे, इस ब्रह्मांड में तारतम वाणी के आने के पीछे, सबके पीछे मूल में राज्य की जो इच्छा उत्पन्न हुई खेल दिखाने की, वही जो इच्छा मूल में है, इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ हुक्म से हुआ, क्योंकि मूल को पकड़ा जा रहा है। लेकिन अगर हम उस चौपाई में या उस प्रसंग में केवल एक शब्द को पकड़ लिया कि नहीं यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, न ब्रह्म सृष्टियां आई है, न राज्य आए हैं, केवल उनका हुक्म आया है, इसीलिए न हमें चित्वनी करने की जरूरत है, न हमें वाणी पढ़ने की जरूरत है, फिर तो आपकी चर्चा सुनने की भी जरूरत नहीं है। चर्चा क्यों सुने, हम मंच पर बैठ करके चर्चा भी सुने, सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन समझने के लिए इसको एक दवाई समझ करके स्वीकार कर लीजिएगा कि हम मंच पर बैठ करके चर्चा तो करें इस विषय पे, हुक्म के विषय में चर्चा करें, राज्य के विषय में चर्चा करें, श्यामा जी सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियां परम धाम के 25 पक्षों के विषय में चर्चा करें, उसके बाद हम ये भी चाहें कि सुंदर साथ हमारा सम्मान भी करे, सुंदर साथ हमारी सेवा भी करे, क्यों करे। इस संसार में जैसे जितने भी हमारे परमहंस हुए, चौथे दिन की लीला में सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी, पांचवें दिन की लीला में हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, और छठे दिन की लीला में जितने भी परमहंस हुए, सभी ने सेवा, प्रेम, चित्वनी और समर्पण, इन सब बातों पर जोर दिया। इसके पीछे कारण क्या है? अगर सब कुछ हुक्म के ऊपर छोड़ देते तो फिर इन सब की आवश्यकता क्यों थी? सरकार श्री ने प्रत्येक जन तक वाणी को क्यों पहुंचाया? उन्होंने ये क्यों कहा कि प्रेम, सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है? या फिर बड़े महाराज जी इस श्रीमुख वाणी को सोनगिर से उठा करके शेरपुर तक क्यों लेकर के आए? आवश्यकता क्या थी? वो भी कह सकते थे कि सब कुछ हुक्म से ही हुआ है, फिर हमें ना वाणी पढ़ने की जरूरत, ना चितवनी करने की जरूरत, ना सेवा करने की जरूरत, क्योंकि सब कुछ तो हुक्म से ही हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नहीं,
परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, लेकिन सूरता स्वरूप से। इस बात को कोई नकारता नहीं, मैंने पहले दिन की चर्चा में भी कहा था, पिछली चर्चा में, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करता। अब ऐसे ही बहुत सारी चौपाइयां हैं कि परम नाम से ब्रह्म सृष्टियों की सुरता आई है, राज्य का आवेश आया है ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए, ऐसी बहुत सारी चौपाइयां। जैसे एक चौपाई है, आप सभी लोग बोला करते हैं, ब्रह्म सृष्टि हती ब्रज रास में पर प्रेम हो तो लक्ष्य बिन, सो लक्ष्य ले आए अव्वल रूह अल्लाह पर न था आखिरी इलम पूरण। इसका अर्थ क्या होगा? पहला चरण देखिए, ब्रह्म सृष्टि होती ब्रज रास में, ब्रज रास में कौन था? ब्रह्म सृष्टियां, लेकिन प्रेम जो है वो भी था, लक्ष्य नहीं था। अब सो लक्ष्य ले आए अव्वल रूह अल्लाह, वही लक्ष्य इस जागनी के ब्रह्मांड में पहले श्यामा जी लेकर के आई, लेकिन फिर भी उनके अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं था। पूर्ण ज्ञान नहीं था का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य के अंदर कभी आधा ज्ञान हो कभी पूरा ज्ञान हो, लेकिन पूर्ण ज्ञान उस स्तन से जाहिर नहीं हुआ। अब यहाँ पर इस एक चौपाई से ये सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म सृष्टियां ब्रजरास में भी थी, इस जागनी के ब्रह्मांड में भी आई है, उन्हें जगाने के लिए श्यामा जी आई, चौथे दिन की लीला में उनसे लीला हुई, चौथे दिन में देवचंद्र जी के तन से, लेकिन पूर्ण इलम न होने की वजह से पूर्ण जागनी नहीं हो पाई। और फिर जब आप बीतक करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, देवचंद्र जी महाराज के तन से केवल 313 आत्माएं जगी थी, तो वो 313 आत्माएं कौन थी? इसी तरह से एक और उदाहरण दिया जाता है जिसमें ब्रजराज के साथ में जागनी का उदाहरण फिर से जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं प्रेम नाम दुनी मिने ब्रह्म सृष्टि ले आई। सबसे पहले ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में प्रेम नाम को लेकर के आई ब्रज में, फिर जब हम कहते हैं चौपाई के माध्यम से, उस चौपाई को हम सेवा पूजा में भी गाया करते हैं, प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजराज, तो वो ब्रह्म सृष्टि कौन है जिन्होंने ब्रज में और रास में लीला की थी? अगर कोई आया नहीं है तो ब्रह्म सृष्टि ने ब्रज में रास में लीला की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई है। वाणी में स्पष्ट कहा, तुम आइया छल देखने भिल गईया माहे छल, छल को छल न लागे ही, ओ लहरी ओ जल। ब्रह्म सृष्टियां छल रूपी खेल को देखने के लिए आई हैं और खेल को देख करके उसी में मग्न हो गई। तो ऐसी सैकड़ों चौपाइयां हैं वाणी में, और बीतक में भी मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, जैसे साकुंडल सखी, साकुमार सखी, आसबाई, लाडबाई, ऐसे अलग अलग नामों से उन सुंदर सात को पुकारा क्यों गया? अगर परम धाम से कोई आया नहीं है तो फिर ये क्यों कहा गया बीतक में कि नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए? परमहंस का मतलब उन ब्रह्म सृष्टियों से अगर कोई आया नहीं था तो फिर किलकिला नदी पर पहुंचा कौन? और इतना सब कुछ भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, वाणी की चौपाइयां भी किसी को याद ना हो, वाणी कभी खोल करके पढ़ा ना हो और तारतम लिया है और थोड़ी बहुत भी चर्चा सुनी होगी, तो उसके मन में भी इस विचारधारा के विरोध में, परम धाम से कोई आया नहीं है गया नहीं है, इस विचारधारा के विरोध में एक सामान्य सी बुद्धि से भी ये तर्क आ सकता है। जब कोई सुंदर साथ, जब कोई नया व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो आप उसे तारतम क्यों देते हैं? जागृत करने के लिए, से जगाने के लिए, और फिर तारतम्य में कहते हैं सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनाना। जब यहाँ कोई आया नहीं है तो फिर सुख देने की बात क्यों की जा रही है? किसको सुख देने की बात की जा रही है? परम धाम में, पर आत्म में तो किसी को सुख देने की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो सब उसमें पूर्ण है। तो ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को वो तो इस संसार में है, इस ब्रह्मांड में, कि ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई है और फिर दुख में फंसी हुई है। क्योंकि अगली चौपाई में क्या कहता आत्म ही, जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार।
तो ये विकार छोड़ने की बात क्यों की जा रही है? किसकी विकार छोड़ने की बात की जा रही है? आत्मा के अंदर विकार नहीं है, स्पष्ट है, लेकिन आत्मा इस संसार में जिस जीव के ऊपर बैठ करके लीला कर रही है, एक और चौपाई है जो मेरी इस बात को वाणी पुष्ट करती है, जिसमें कहा, जीवे आत्म अंधिकरी मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाय अंधी इंद्रिया तीन लय आत्म को। जो आत्मा इस संसार में खेल देखने के लिए आई है, कैसे? जीव के माध्यम से। तो उस जीव ने क्या कर रखा है? इंद्रियों के साथ मिलकर के आत्मा को अंधा बना दिया, आत्मा को ऐसा बना दिया है कि वो कुछ देख नहीं पाती। इसका मतलब क्या हुआ? कि आत्मा इस संसार में आकर के मूल तन से उस परम धाम में बैठी हुई है। इस बात को सब स्वीकार करते हैं, लेकिन राज्य के दिल रूपी पर्दे पर, उनके हृदय रूपी पर्दे पर वो इस खेल को देख रहे हैं, और खेल में वो अपने आप को किसी एक जीव के ऊपर बैठा हुआ मान रही है। वो बैठी हुई, उसकी सुरता जीव के ऊपर बैठी हुई, और उस जीव ने, जिसके ऊपर वो बैठी हुई है, उसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि जीव के चित्त में जो संस्कार जन्म जन्मांतर के हैं, वो संस्कार जुड़े हुए हैं उसके साथ ही, और उसके संस्कार के आधार पर जीव ने आत्मा को अंधा कर रखा। नहीं तो ऐसा क्यों कहा जाता कि हासे बिना कोई ना रहे या यार या सिरदार? इस संसार की हासी, मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था, जाको गुनाह पहुंचा खिलवते कहे कलाम अल्लाह यों कर। इस संसार में से वह गुनाह परम धाम में पहुंचा तो इसका माध्यम क्या है? ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा ही पहुंचा है, अर्थात उनकी सुरता जो इस संसार में आई हुई है और जिस जीव के ऊपर बैठी हुई, वो जीव जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर परम धाम में किसी की हंसी होगी या फिर नहीं होगी, या फिर ज्यादा होगी कम होगी, वो उस पर निर्भर करता। तो इन सब चौपाइयों से, इन सब बातों से ये सिद्ध हो जाता है। कोई सामान्य दृष्टि से, सामान्य बुद्धि से सोच करके भी ये मान सकता है, ये जान सकता है, ये समझ सकता है कि ब्रह्म सृष्टियां किस तरह से आई। नहीं तो हमें वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें चर्चा सुनने की, सेवा करने की जरूरत क्या है? अच्छा, एक दो और बात मैं बताता हूं। किरणतन में कुछ प्रकरण है कुर्बानी से संबंधित। जैसे कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल सतरंग, क्यों? जब यहां पर कोई आया नहीं है तो मोमिन किसे कहा गया और कुर्बानी कहां पर करनी? परम नाम में, पराधम में कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है, इस संसार में तो कुर्बानी करनी है। पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आया नहीं है तो फिर आगे पीछे होने का क्या मतलब है? तो भाई कह रही है कि पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, इसी वाणी में अक्षराति श्रीराज जी महामती जी के हृदय धाम में बैठ करके कहते हैं कि अब हम धाम चलत है तुम हो जो सबे होशियार। अगर आए नहीं थे तो चलने की, वापस जाने की बात क्यों की जा रही? और फिर आप सब सुंदर साथ बैठ करके वाणी के सामने बैठते हैं, जब भी वितक की चर्चा समाप्त होती है या फिर जब भी ऐसा कोई प्रसंग आता है तो आप सब वाणी के सामने बैठ करके राज्य से अर्जी करते हैं और कहते हैं, अर्जी सुंदर साथ करें चरणों में होके खड़े, पिया जी धनी जी खेल को बस करो। तो ये पिया जी धनी जी खेल को बस करो, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब ये कि खेल चल रहा है, खेल में सुरताएं आई हुई है और सुरताएं जिस जीव के ऊपर बैठ करके खेल को देख रही है, उस जीव को कोई कष्ट हो रहा है तो फिर वह जीव दुखी हो करके, उस जीव का दुख आत्मा अनुभव कर रही है और फिर राज्य से प्रार्थना कर रही है।
और बीतक में तो ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। और जिसने बीतक कभी पढ़ा भी नहीं होगा, बीतक का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं भी होगा, उसको इतना भी पता होगा कि बीतक किसकी है, बीतक लिखी क्यों गई, तो भी उसको समझ में आएगा कि नहीं, परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आई, वाणी का अवतरण क्यों हुआ। अगर इसका भी उत्तर वो सोचेगा तो भी पता चलेगा कि परमधाम से ब्रह्म सृष्टि आई है। आपको अगर पूछा जाए वाणी का अवतरण क्यों हुआ, आप क्या कहेंगे? पांचवें दिन की लीला हर बात से आप ध्यान से अगर सुनेंगे इस सत्य को स्वीकार करने की दृष्टि से, तो मेरी हर बात से एक नया नया प्रश्न आ रहा है, एक नया तर्क आ रहा है। पहले मैंने पूछा कि बीतक किसकी है, फिर वाणी क्यों लिखी गई, इसका उत्तर देते जाएंगे तो आगे और एक प्रश्न आएगा, और प्रश्न के साथ में हमें उत्तर अंदर से मिलना शुरू होगा। वाणी का अवतरण हुआ तो क्यों हुआ, इसके उत्तर में आप कहते हैं, चरणे आए सो तो सही, पर पिछला सात कारण वाणी के। परम नाम से जो ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में आई हैं, उनमें से पांचवें दिन की लीला में ये दिन कैसे निर्धारित किया, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, ऐसा हम कैसे कहते हैं? चौथा दिन देवचंद्र जी का, जिनके अंदर श्यामा जी ने बैठ करके लीला की। पांचवें दिन में इंद्रावती जी के हृदय धाम में बैठ करके राज जी ने लीला की। जब कोई आया नहीं तो फिर श्यामा जी के अंदर राज जी बैठ करके लीला कर रहे हैं चौथे दिन में, ऐसा हम कैसे कहते हैं? और अगर कोई आया नहीं है तो पांचवें दिन में इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके राज जी ने लीला की, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? और फिर चरणों आए सो तो सही, पर पिछला सात कारण वाणी के। पिछला सात और अगला सात ऐसा किसके लिए कहा जा रहा है, और जो चरणों में आए वो कौन है? हमने चौथे दिन, पांचवें दिन और छठे दिन का जो निर्धारण कर रखा है वो किस आधार पर कर रखा है? इसका आधार क्या है कि चौथे दिन श्यामा जी के द्वारा लीला हुई, पांचवें दिन इंद्रावती जी के तर में बैठ करके लीला हुई, और छठे दिन हमने निर्धारित किया कि छठा दिन मोमिनों का है। हम जब भजन गाते तो क्या बोलते हैं, छठा दिन मोमिनों का जागनी अभियान करने का। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए कि अर्श कर बैठे कसम, ऐसा हम कैसे कहते हैं? इसी तरह से वाणी कहती है, रूह अल्लाह दो जामे पहरसी, दूसरी ऊपर मुद्दा है। श्यामा जी दो तनों में बैठ करके लीला करेंगे, कहां? परम नाम में। इसी तरह से खिलवत की वाणी में कहते हैं, ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरे आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया। ऐसा कैसे कहते हैं? ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, किसने किसको कहा, और जो रूहे मेरे आशिक किसको बुला करके लाने के लिए कहा, कहां से बुला करके लाने? परम धाम से जो ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है उन्हीं को बुलाने की बात की जा रही है। फिर कहते हैं, रू अल्लाह सुबह ने भेजिया। तो राज जी ने श्यामा जी को क्यों भेजा, तो कारण होगा। तभी हम प्रकाश की वाणी में कहते हैं, श्यामा जी को धनिए आवेश अपन दियो, सब कहे के हकीकत हुकम ऐसे। जब हम बीतक की चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, जब देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी ने राज जी से पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, तो राज जी ने कहा, तुम्हारे अंदर आकर के आए के बैठे हम। तो राज जी किसके अंदर आकर के बैठे? अगर कोई परमधाम से आए नहीं तो किसी जीव के ऊपर आकर के तो राज जी बैठेंगे नहीं, क्यों बैठेंगे? जीव के साथ क्या संबंध है राज जी? श्यामा जी के अंदर आकर के बैठे। हम कहते हैं, जब आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो। इंद्रावती जैसा कहती हैं। तो
तो वहां पर राज्य किसके तन में बैठ करके लीला कर रहे हैं, किसके हृदय में बैठ करके लीला कर रहे हैं? अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम, इस चौपाई में हम राज्य को आप आकर के आराम कीजिए ऐसा क्यों कहते हैं? परम धाम में जो पर आत्म है उसमें तो राज्य है ही, वैसे तो यहाँ पर भी है, लेकिन जो पर्दा आया हुआ है उस पर्दे को समाप्त करके राज्य को हृदय में बुलाने की बात की जा रही है। तो इस तरह से इन सभी प्रमाणों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि राज्य के हुक्म से जिन ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा उत्पन्न हुई और श्यामा जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई, और उनकी इच्छा को राज्य ने अपने हृदय रूपी पर्दे पर दिखाया, लेकिन हृदय रूपी पर्दे पर वो इस खेल को देख रहे हैं। अब वापस चलना है तो फिर जागनी आत्मा की यहाँ पे होगी, और उस जागनी के लिए हम कहते हैं ना, इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सबका। सबसे पहले यहाँ पर बैठ करके अपनी पर आत्म की शोभा को देखें। तब तक नहीं जा सकते, नहीं तो पौड़े भले जागसी भले इसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इन सब बातों को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है अपने अंदर अगर कोई दुराग्रह की भावना है, कोई जिद है, कोई हठ है, उसको त्याग करके सत्य को स्वीकार करने की प्रवृत्ति से इस वाणी को हम पढ़ें। हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार का अहम है इस ज्ञान का, उस ज्ञान के अहम को भी हटा करके पढ़ें, क्योंकि ज्ञान का अहम आपको थोड़ी देर के लिए तो संतुष्टि दे सकता है, दो चार लोगों के बीच में आपको सम्माननीय बना सकता है, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं होगा वाणी को ऐसे लोगों के बीच में आप सम्मान पा सकते हैं, लेकिन परम धाम में राज्य के सामने जब मूल तन में जागृत होंगे तो हम क्या करेंगे उस समय? क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कहा प्रकाश की वाणी में, कोई बड़ाई ले बैठी हैं सो गई हैं आपको भूल। हम क्या कर रहे हैं, हम इल्म की बड़ाई लेकर के बैठे हैं कि हमें इतना ज्ञान है, हमारी बात को कोई काट नहीं पाता है, तो फिर वो बड़ाई तो हंसी कराने वाली है। पर इंद्रावती जी कहते हैं कि सुंदर साहब जी, अब ए हंसी सहियनो जिन कराओ कोई, ऐसी हंसी मत कराइए। इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से विनम्रता से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको बुरे लगे होंगे, शायद कड़वे लगे होंगे, लेकिन मुझे लगा कि इन शब्दों का प्रयोग किए बिना मैं इस बात को समझाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं अंत में ये प्रार्थना करूँगा कि आप मेरी उन शब्दों में जो कड़वाहट थी, उन कड़वाहट के पीछे जो आपसे प्रेम है, जिस वजह से मैं इस चर्चा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस प्रेम को ध्यान में रखते हुए, और वह प्रेम परम धाम की मूल संबंध के कारण ही है, उसको ध्यान में रख करके मेरी उन कड़वे शब्दों को भुला करके इन बातों को स्वीकार करिएगा। और मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम किसी भी चौपाई को जब भी पढ़ें तो आगे पीछे का प्रसंग भी देखें कि ये प्रसंग कहाँ क्यों जा रहा है, इस प्रसंग की यहाँ पर आवश्यकता क्यों है, इस चौपाई के आगे प्रसंग कहाँ से चल रहा है, समाप्त कहाँ पे होने वाला है, आगे का प्रकरण भी पढ़ें, पीछे का प्रकरण भी पढ़ें, और उससे मिलते जुलते और भी चौपाइयाँ पढ़ें, उसके विरुद्ध में प्रतीत होने वाली। वैसे वाणी में कोई एक दूसरे का विरोधाभास नहीं है, लेकिन जहाँ लगता है कि नहीं ये चौपाई इस चौपाई को काट रही है, उन विरोधी चीज प्रसंगों को भी पढ़ें, और फिर प्रसंग के अनुसार उस चौपाई का के अर्थ को समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें, तभी हम सत्यता के और नजदीक पहुंच सकते हैं, तभी हम वास्तविकता के और करीब पहुंच सकते हैं। अन्यथा हम केवल एक शब्द को या एक चौपाई के एक चरण को पकड़ करके बैठेंगे तो वाणी का पूरा सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि वाणी का सिद्धांत खंडित हो, क्योंकि आप कहते हैं कि ये जो वाणी है वो राज्य की वाणी है, राज्य का वांग्मय स्वरूप है,
जब आपके प्रियतम राज्य का वांग्मय स्वरूप है, तो आप ये थोड़ी चाहेंगे कि राज्य का स्वरूप ही खंडित हो। इसलिए हम संपूर्ण चौपाई को, संपूर्ण प्रकरण को और संपूर्ण वाणी को जितना अधिक हो सके आत्मसात करें, तभी हमारा आत्मिक कल्याण होगा। उन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।